कुछ नहीं चेंज होगा, पूरा 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 हिज ब्रदर पूरा आएगा। चलो देखो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे देखिए, ये दिस इज ए सब्जेक्ट, दिस इज ए ऑब्जेक्ट, और दिस इज ए वर्ब, और दिस इज ए हेल्पिंग वर्ब, दिस इज ए हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखे तो दिस वर्क को पहले लाएंगे, तो दिस वर्क थोड़ा स्केच चेंज किया जाए, दिस वर्क क्या हो जाएगा बोलो। उसके बाद कैन, अगर नाट नहीं होता तो बी लगाते तुरंत, लेकिन नाट है तो क्या करेंगे, नाट के बाद बी लगाएंगे, है नहीं? तो कैन नाट, उसके बाद क्या बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, डन, समझे? अब बाई कौन, रीता, रीता बन गया। ही नोज मी वेल, वह मुझे अच्छी तरह जानता है, आई एम, तो क्या हो जाएगा, आई, आई एम, एम, आई एम क्यों हुआ, देखो मी का क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या हो जाएगा, आई, तो मी क्या है तुम्हारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या ही है, तो ये मी कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में जाएगा, और ही कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, कैसे जाएगा, देखो आई एम, उसके बाद के एन ओ डब्ल्यू एन, नोन, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई हिम वेल, बना लो आगे देखो, सर हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर क्या होगा बोलो, बीइंग, इज आएगा, इज कौन लाएगा भैया, इज बीइंग, इज बीइंग, उसके बाद हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्पेड, हेल्प, हेल्प बाय, हेल्प, हेल्प बाय हिम, हिम हो जाएगा, ये सब भूल गया, देखो दो दिन में सब उतारी हो भर जाएगी। अब देखो यहाँ क्या, यही महाराज, महाराज मी का क्या होगा, देखो पहले पहचानो सेंटेंस कहाँ कहाँ का है, उसके बाद बनाना शुरू करो, पहले पहचानो कहाँ का सेंटेंस है। देखो रिप्लाई भी तुम्हारा वर्ब होता है, सरप्राइज भी तुम्हारा वर्ब होता है, लेकिन इसमें ईडी लगा हुआ है, नहीं तो इसका मतलब यहाँ हैज हैव तो है नहीं, अगर हैज हैव होता समझते कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, इसका मतलब अगर हैज हैव नहीं है तो कन्फर्म है, या हैड नहीं है तो कन्फर्म है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब कहाँ का टेंस है, ये पास्ट का, पास्ट इंडिफिनिट का टेंस है नहीं, कन्फर्म हो गया, इसका मतलब हिज रिप्लाई ये पूरा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और दिस इज ए वर्ब, और दिस इज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखो क्या होगा, मी का क्या होगा, आई, अब आई के साथ क्या आएगा, अरे वाज आएगा महाराज, इधर देखो ये कहाँ है, पास्ट में है ना, तो कहाँ में जाएगा, वाज में जाएगा, सब नियम उतार दिए क्या, वाज के बाद क्या आएगा, सरप्राइज्ड, उसके बाद बाई हिज रिप्लाई हो जाएगा, ऐसे बनेगा, लिखा ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, तो क्या होगा, ए लेटर, उसके बाद क्या लिखे है, लेटर के बाद, ए लेटर, हाँ, ए लेटर, इज आएगा, इज आएगा भैया, कहाँ नियम से भूल गए क्या, प्रेजेंट में चल रहा है ये, प्रेजेंट में है, वो पास्ट में था तो वाज आया था, सब नियम रिकॉल करो। अरे जब प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट होता है, इज ए मार आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और क्या, और फिर उसके बाद बाई आता है, फिर उसके बाद वो राइट एंड बाई मी आएगा, हाँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, ए लेटर इज रिटन, राइटन नहीं, रिटन, रिटन बाई हिम, हिम हो जाएगा, रिटन बाई हिम, पत्र लिखा लिखा गया किसके द्वारा, उसके द्वारा है नहीं, तो क्या होगा, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, तो बताइए इस टेंस कहाँ का पहले है, पहले आपको पहचानना पड़ेगा, यो पास्ट, परफेक्ट का है गुरुजी, परफेक्ट का है, एक तो पास्ट बता रहे महाराज, नहीं बताइए सर, प्रेजेंट परफेक्ट का है, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट का है, कंटिन्यूअस का क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म और हैज है, बीन भी होता है उसके साथ में, तो कैसे बनेगा, देखो ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चन, उसके बाद क्या होगा बोलो यहाँ पे, ऑल द क्वेश्चन हैज बीन,
answered. बहुवचन हो गया ना, have been answered हो जाएगा by, by क्या हो जाएगा, him हो जाएगा, ऐसे बनेगा ये। अगर समझ में ना आ रहा तो पूछ लेना, क्योंकि हम सब सब नियम लिखवाए हैं अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ लिखवाए हैं, एक एक चीज़ करवाए हैं, रिवीजन चल रहा है, कम से कम डेली 5-5-10 करेंगे तो थोड़ा सा क्या रहेगा, रिकॉल रहेगा। चलिए अभी और हैं 5। अकबर वाला, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो क्या किया जाए बताओ, बताओ पहचानो क्या है पहले, तो अकबर है सब्जेक्ट, ये हेमू है, हेमू को हराया ना, कहाँ हराया, इन द बैटल ऑफ पानीपत, तो पहले हेमू को लाए आगे, तो हेमू अब डिफीटेड है, तो पहले आप रिकॉग्नाइज करिए, इसको पहचानिए कहाँ का टेंस है, ये कहाँ का टेंस है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट का है भैया, कैसे पहचानते, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दिख रही तुमको, वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें भी तो लगती है, किसमें लगती है, मैं नंबर थर्ड डाल चलो देखो यहाँ पहचानने देखो तरीका, देखो पहले इधर ध्यान से देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, समझे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो कहाँ का टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का होगा यार, है नहीं, और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो कहाँ का होगा, पास्ट का होगा, समझे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे और प्लस हैव दिखे तो कहाँ का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे और हैड दिखे तो कहाँ का होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा, है नहीं, और हैज है बीन दिखे और आईएनजी फॉर्म दिखे तो कहाँ का होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, और प्लस टाइम भी दिया होगा, है नहीं, तो ऐसे रिकॉल कर गया है करो डेली, तो बताओ टेंस कहाँ का, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, तो इसका कैसे बनता है, हेमू होगा उसके बाद क्या आएगा, वाज आएगा, उसके बाद डिफीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, बाई अकबर, बोलो बाई अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत, इन द बैटल ऑफ पानीपत अकबर, आसान है, आसान है, बस जिसको नियम रिकॉल रहेगा वो फटाक से बना देगा, नियम निकाल करने का सबसे आसान तरीका सब लिखवाएं, एक एक चीज़ लिखवाएं ना नियम में, कैसा किसको चेंज करते हैं, देखिए सर जी बताइए भाई सब कुछ, कल तो बताओगे ही, एग्ज़ाम मान लो आज होता तो क्या करते, तो बोलते कि जो है चलिए कल ले लीजिएगा, कल हम आएंगे तैयार करके, हाँ क्या लिखा है देखो, ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर ए लीव, अच्छे पहचान लो ये कहाँ का टेंस है, पहले ही रोट, राइट रोट, रिटेन, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, रोड, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तो कहाँ का टेंस हुआ, ये पास्ट परफेक्ट का हुआ, पास्ट इंडिफिनिट का हुआ, अभी बताए हैं देखो यार, सेकंड फॉर्म के लिए क्या होता है पास्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आता है वो हैज है, बात है, हैज है आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, तुम चाहेंगे तो सॉरी सॉरी बोलते तो हो, पता है, तो क्या लिखा है बोलो यहाँ पे, ही राइट्स एन एप्लीकेशन टू हिज क्या, क्लास टीचर, तो क्या होगा, तो इनको उठाएं, हिज क्लास टीचर को उठाएं, यही तो मेन है, तो इन्हीं को उठा लें पीछे से, तो क्या होगा देखो, हिज क्लास टीचर, दैट क्लास टीचर भी हो सकता था, किडनैप कर लो गुरु, क्लास टीचर से इजे आएगा क्या, इजे आएगा, अरे पास्ट उसमें चला गया, इंडिफिनिट तो वाज आएगा ना, वाज आ गया, अब टीचर हिज उसके उसके टीचर, तो इसका मतलब एक ही तो होगा, दू तो होगा, हो नहीं जाएगा, है नहीं, तो बोलो क्या होगा, वाज के बाद क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, तो राइट की क्या होती है, रिटेन, रिटेन बोलता है, रिटेन होता है नहीं, फिर क्या होगा, एन एप्लीकेशन फॉर क्या होगा, नहीं एप्लीकेशन रिटर्न बाई, रिटर्न बाई क्या होगा, रिटर्न बाई क्या लिखे बोलो, एप्लीकेशन रिटर्न बाई हिम, हिम हाँ, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, रिटर्न बाई हिम, हिम
एन एप्लीकेशन फॉर लीव, एन एप्लीकेशन फॉर लीव, ऐसे बनेगा समझे। लास्ट में भी लगा सकते हो बाई या वो जो है, तुरंत वर्ब के बाद ही लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही ये हो जाएगा। फिर अगला बताइए, अपने आप बनाइए, क्या कैसे बनेगा, बनाइए अपने आप कैसे बनेगा। ही टीच अस इंग्लिश एवरी डे, वह क्या हमें इंग्लिश क्या प्रतिदिन पढ़ाता है, हाँ पढ़ाता है नहीं, वह है ना लड़के तो हुआ, सी होता तो लड़की होती, तो वह हमें क्या करता है प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ाता है, हमें मतलब हम सभी को हो सकता है, अस लगा है ना, अस किसका होता है, वी का होता है ना, वी का अस, तो हमें प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ाता है, तो क्या हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा। पहले पहचानो कहाँ का टेंस है, ये कहाँ का है, ता है, लगे है ना, यस फॉर्म, हाँ यस फॉर्म, तो ऐसे तो जान ही सकते हो कहाँ का टेंस है, इसको ना पहचानो तो बेकार है, पता ना कितना टेंस बना लिए। अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा है नहीं, अब बताओ वी के साथ क्या आएगा, वी के साथ बताओ क्या होगा, टीच की अरे तो वो यस फॉर्म है ना, है तो टीच ही हो, हाँ टाट हो जाएगा है नहीं, तो टी ए यू जी एस टी, टाट, ए यू जी एस टी, टाट क्या हो जाएगा बोलो अब, टाट बाय, नहीं टाट बाय हिम, टाट बाय हिम इंग्लिश एवरी डे, इंग्लिश एवरी डे, इंग्लिश, या ऐसे बना सकते थे वी आर टाट इंग्लिश एवरी डे बाय हिम। अरे एक क्वेश्चन और बचा है जो हमने करीब करीब 4-5 बार बनवाया है, कैसे बनाया है, इंग्लिश पहले इंग्लिश, अरे गुरुजी अभी बता तो दी थे, अरे ये अस को उठाओ चाहे इंग्लिश को उठाओ, बातें के है नहीं, कैसे बनाया है, कैसे बनाया है बोल तो, इंग्लिश इज टार्ट, इंग्लिश इज टार्ट, टाटे तो होगा और क्या होगा यार, कहाँ ढूंढ रहे हो, टाटी होगा भैया, देख लो कहाँ है, थर्ड फॉर्म वही लगी होगी, ये है यहाँ पर टाट है ना, टाट, हाँ उसके बाद टाट टू, बस यूवर डे एवरी डे वही बना, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो इधर देखो आगे आगे बढ़ो क्या होगा, ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कैसे बनाएंगे बताओ सर, मी की आई आएगा पहले, हाँ मी का पहले आई आ जाएगा जी, है समझे, तो ये आई हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या आएगा, पहले पहचानो कहाँ का टेंस है, ये आई मैसेज आ जाए पक्का, गेव, गेव लगा है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, तो देखते पहचान जाओ कौन सी फॉर्म है, तो ये जगह आई वाज, तो क्या हो जाएगा, गिवेन, गिवेन है नहीं, अ गिवेन बाय हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, या ऐसे लिख सकते थे आई वाज गिवेन ए ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम, ऐसे भी लिखा जा सकता है नहीं जी, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ऐसे बनेगा, 10 हो गया है, चलिए देखो एक कॉपी हम तुम्हारी भरी दे रहे हैं, कौन सी कॉपी, पेपर वाली, पेपर बोर्ड कॉपी, जी हम लोग काफी कक्षा 9 था या फिर आंसर जी, तो प्री बोर्ड हाई स्कूल में होता है, पता है हर क्वेश्चन के बाद तुम कहानी सुन कर देते हो, अति बड़ी सर जी देख क्या काफी हम लोग वो उस ठिकाने ना आए, हम किन दादा कैसे भरा थी, सब सुना हुआ तेरे, 3-3-4 भरी आई थी, चलो लिखो लिखो, रियलिटी बता रहे अपने, रियलिटी बता रहे हम तुम्हें, कोई बता रहे अभी, इसमें क्या कराया जाए और इसमें क्या तुम लोग अभी है बताओ, सब तो करा रहे हैं, करके बाद कराए हैं, आप ग्रामर में क्या वीक है जल्दी बताओ, वही पढ़ा देंगे 2-3 बार, बताइए सर क्या मरका दी, यह टेंस, यह सेंटेंस है कि ट्रांसलेशन भी, ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन के लिए जो है, जो बड़े बड़े वर्ड हैं उनको मीनिंग पता होना चाहिए, लिखो
लिखो बोलते हैं लिखो लिखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे एक योग्य अध्यापक थे